अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 8th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 5। ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, फर्स्ट पार्ट इज ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, हमें प्रोडक्ट निकालना है इनका। ये मोनोमियल्स दी गई है, इनका प्रोडक्ट निकालना है हमें। एक्स वाई, वाई जेड एंड द थर्ड वन इज जेड एक्स, ये तीन मोनोमियल्स हैं, इनका हमें प्रोडक्ट निकालना है। हम इस तरह लिखेंगे एक्स वाई जार वाई जेड जार जेड एक्स। तो पहले हम एक्स, यहां एक्स है, हम यहां भी देखेंगे एक्स कहां है, इनका प्रोडक्ट करेंगे पहले। यहां एक्स है और यहां एक्स है, एक्स जार एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसी तरह यहां y है और यहां भी y है, y जार y इज इक्वल टू y स्क्वायर, z जार z इज इक्वल टू z स्क्वायर। ये जो है एक्स वाई, देखिए एक्स वाई जार y z जार z x, ये हम किस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स जार y जार y जार z जार z जार x। हाँ, इसी तरह ये प्रोडक्ट है, ये इनका मल्टीपल है। हाँ, फिर हम x और x को पहले मिलाएंगे, एक्स जार एक्स, मैंने आपको परसों बता दिया है एक्स जार एक्स इन मल्टीप्लीकेशन व्हेन द बेसेस आर सेम, हम बेस लिखेंगे। इनका पावर जो है, यहां वन पावर है और यहां वन पावर है, वन प्लस वन इज इक्वल टू टू, सो एक्स जार एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर टू। इसी तरह वाई जार वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, जेड जार जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। Now the second part is a minus a square and the third monomial is a cube. हमें इनका ये product निकालना है, हम ऐसे लिखेंगे a zar minus a square zar a cube। देखिए हम पहले इनका देखेंगे ये constant कौन, या ये कोएफिशिएंट कौन क्या क्या है इसमें। ए स्क्वायर ए, इट इज वन ए, इसका कोएफिशिएंट वन है। ए स्क्वायर इट इज माइनस वन, इट कोएफिशिएंट इज माइनस वन। एंड ए क्यूब, इसका कोएफिशिएंट भी वन है। तो वन यहां है, ये माइनस वन है और ये वन है, वन वन जार वन, वन वन जार वन, तो यहां माइनस वन आएगा, माइनस वन माइनस लिखेंगे हम माइनस। इसी तरह a a स्क्वायर a क्यूब, तो यहां जिस तरह मैंने आपको बता दिया है व्हेन द बेसिस आर सेम इन मल्टीप्लिकेशन पावर्स कैन बी एडिड, इसी तरह यहां भी है, यहां बेसिस a a स्क्वायर a a क्यूब, a a सेम बेसिस है, इनका पावर जो है वो हम ऐड करेंगे। इसका पावर नहीं दिखाया गया, इसका मतलब है इसका पावर वन है, यहां पावर टू है, यहां थ्री है, थ्री प्लस टू प्लस वन इज इक्वल टू सिक्स, तो ये a, now it is equal to a सिक्स माइनस, यहां माइनस वन ए सिक्स भी लिख सकते हैं। अगर हम ऐसे ही रखेंगे माइनस ए सिक्स, इसका भी मतलब है इट इज माइनस वन, माइनस ए ए रेज टू पावर सिक्स है। नाउ द थर्ड पार्ट इज 2 4y 8y square 16y cube, इनका हमें प्रोडक्ट निकालने हैं। हम ऐसे लिखेंगे 2 4y 8y square 16y cube। यहां कॉन्स्टेंट्स भी दिए गए हैं, यहां 2 है y के साथ, 4 है y स्क्वायर के साथ, 8 है y क्यूब के साथ, 16 है, लिहाजा हम कॉन्स्टेंट्स लिखेंगे पहले 2 जार 4 जार 8 जार 16, फिर हम वेरिएबल्स लिखेंगे, यहां y है जार y स्क्वायर जार y क्यूब। तो पहले हम इन कॉन्स्टेंट्स का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जार 8 8 8 जार 64 जार 16, 6 4 जार 24, 2 कैरी,
6 6 36 + 2 38, 1 4 4 1 6 6, 4 8 + 4 12 6 + 3 9 + 1 10, इट इज 1024। फिर यहां y जार y स्क्वायर जार y क्यूब, 3 + 2 + 1, इट इज 3 + 2 + 1 इज 6, इट इज इक्वल टू y पावर 6। शुक्रिया। इसी तरह फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है, ये आप खुद कर सकते हैं।